वेलकम टू अदर वर्ल्ड सो इन दिसक्स अबाउट द टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन और इसका ये पार्ट टू कल्चर इन इंडिया और इसमें हम डिस्कस करेंगे मेजोलिथिक कल्चर इन इंडिया न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया एंड चालकोलिथिक कल्चर इन इंडिया तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजोलिथिक कल्चर इन इंडिया को सो मेजोलिथिक इन इंडिया बिगन एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल अडेप्टन टू वॉर्म क्लाइमेट इन द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ होलोसिन एंड कंटिन्यू ऑलमोस्ट विद द आयर एन एज सो मेजोलैथिक पीरियड जो था वो इंडिया में विघन हुआ एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल एडाप्टशन टू वार्म क्लाइमेट तो जब वार्म क्लाइमेट का स्टार्टिंग हुआ और उसका जो इकोलॉजिकल एडाप्टशन हुआ सो so मेजोलैथिक उसका एक पार्ट था इंडिया में और ये जो वार्म क्लाइमेट था वो होलोसिन का अर्लीस्ट पीरियड था और ये कॉन्टिन्यू रहा आयर एन एस तक टूअर्ड्स द लास्ट आइस एज दोड्स टू द ग्लेशियल एंड द फ्लुअल एनवायरमेंट सो लास्ट आइस एज में जिसने भी ग्लेशियल और फ्लूवियल एनवायरमेंट को अडोप्ट किया उसका सर्वाइबल कॉन्टिन्यू रहा द आइस मेल्टेड एंड न्यू फ्लोड जब आइस मेल्ट हुआ तो नया फ्लोरा और फोना अपीय हुए डेंस बुसेज एंड फॉरेस्ट विद द अनपेसेबलो ग्रीवअप सो जब आइस मेल्ट हुआ नया फ्लोरा और फोना अपीय हुए उससे डेंस बुसेज और फॉरेस्ट डेवलप हुए दिस लेट टू एमरजेंस ऑफ द स्मॉल गेम एनिमल्स और इसकी वजह से स्मॉल एनिमल्स का इमरजेंस हुआ और जिनके लिए एक न्यू टूल किट का इन्वेंशन किया गया बाय द ह्यूमन बीइंग और इसे हम बोलते हैं माइक्रोलेथ और इस टूल का यूज़ इन एनिमल्स के हंटिंग के लिए किया जाता था माइक्रोलेथ के बारे में देख लेते हैं माइक्रोलेथ क्या होता है दिस वर्थ अबाउट द टू टू सिक्स सेंटीमीटर ये दो से छः सेंटीमीटर की लंबाई में थे एंड 0.5 टू 1.5 सेंटीमीटर इन द ब्रेड उनकी चौड़ाई 0.5 टू 1.5 सेंटीमीटर के बीच में था और ये मोस्टली लकड़ी बोन या बड़े जानवरों के जबड़ों में फिट किए जाते थे एज अ कंपाउंड टूल ऑन द बेसिस ऑफ सेप टू मेजर टाइप्स ऑफ द माइक्रोलिथ्स आर रिकोगनाइज तो सेब के बेसिस पे दो तरह के माइक्रोलिट्स होते थे ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक माइक्रोलिट्स में स्टोन टूल होते थे जो अपने बेसिक फॉर्म्स में होते थे और इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं इन द ट्रेप्जोइ ट्राइंगर एंड लूनेट जो हप्पन सेप का होता है तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं और जो टूल्स ज्योमेट्रिक के अलावा अदर फॉर्म्स में होते थे उन्हें हम बोलते थे नॉन ज्योमेट्रिक टूल्स यहाँ हम कुछ लोकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस टाइम पीरियड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं सबसे पहले है बागोर इन राजस्थान सो यह रिवर कोठारी के बैंक पे सिचुएटेड था और बिलवारा टाउन में था इट इज़ सैंड ड्यून्स विद द डिपॉजिट्स ऑफ अबाउट द 150 सेंटीमीटर और यह ड्यून था विद द डिपॉजिट्स ऑफ द 150 सेंटीमीटर सो एक ड्यून था और उसके ऊपर 150 सेंटीमीटर का डिपॉजिट था इट इज़ डिवाइडेड इंटू द थ्री फेजेस और ये तीन फेज में डिवाइड किया जाता है ऑफ विज द फर्स्ट फेज कॉरेस्पॉन्डेंस टू मेजोलिथिक सो तो मेजोलिथिक so, जो है वो फर्स्ट फेज था जबकि इस साइट को हम तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं इस साइट की डिस्कवरी वी एन मिश्रा ने 1967 में किया था यह साइट जो है वो कल्चरल मटेरियल में रिच है और प्रॉबली वर्ड में रिचेस्ट है एज सेवरल एज थाउजेंड टूल्स एंड द ग्रेट प्रोफ्यूजन ऑफ द एनिमल तो कल्चर मटेरियल में ये वर्ड में रिच है क्योंकि यहाँ पे सेवरल थाउजेंड टूल्स और एनिमल के रिमेंस पाए गए हैं जो एनिमल्स के हड्डियों के रिमेंस मिले हैं उसमें हैं कैटल बफेलो गोड पिग चीतल सांभर हेयर फॉक्स एक्सेट्रा एंड ऑल्सो द एक्टिक फोना और कुछ जलीय जंतु भी पाए गए हैं लाइक टोटोज एंड द फिश सेकंड साइट देखते हैं तिलवारा इन राजस्थान वेस्टर्न मोस्ट मेजोलिथिक साइट है इंडिया का जो कि बारहवीं डिस्ट्रिक्ट में है वी मिश्रा ने इस साइट को एग्जीगट किया था इन 1971 सेवेंटी पे यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन पाया गया था जो कि यह इंडिकेट करता था कि यहाँ पे हैबिटेशन था क्योंकि जो सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टोन्स था वह बेसिकली हैविटेशन स्ट्रक्चर को शो करता है नेक्स्ट लोकेशन इज़ द लंगनाज गुजरात सो ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द साबरमती रिवर इन द महसाना डिस्ट्रिक्ट तो ये जो लोकेशन है यह वेस्टर्न बैंक ऑफ द साबरमती रिवर पे है जो कि महसाना डिस्ट्रिक्ट में है द टूल्स टाइप इंक्लूड दूनिट्स ट्रेपजेज स्क्रैपर्स बोलर्स ब्लटेड बैक नाइफ बरीन्स एक्सेट्रा और इस लोकेशन पे जो टूल्स थे ये सारे टूल्स थे आइनोसोर्स शोल्डर ब्लेड विद द मार्क्स ऑफ स्टेरिएशन हैज़ फाउंड तो राइनोसोर के शोल्डर की हड्डी से जो ब्लेड बना था जिसपे कि कुछ धारीदार निशान थे वो भी पाया गया है संकालिया और सुबारा जो दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इन्होंने इस साइट की स्टडी की है द एनिमल रिमेन्स आर आइडेंटिफाइड एज जो एनिमल रिमेंस इस इस साइट से मिले हैं वो थे कैटल के बफेलो के वाइल्ड बोर के डेयर के और नीलगाय के द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिमेंस आर द ह्यूमन स्केलेटन जो कि चौदह स्केलेटन्स पाए गए हैं इस साइट से नेक्स्ट साइट देखते हैं भीम का जो कि मध्य प्रदेश में है अ साइट विद अबाउट 700 हंड्रेड केव्स इन द रह डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी। पी यह साइट जहाँ पे लगभग 700 सौ केव्स गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह स्टडी किया गया था वीर मिश्रा के द्वारा इन 1976 सेवेंटी सिक्स भीमबेडका बहुत फेमस है क्योंकि इट वॉज ऑक्युपाइड बाई पीपल थ्रू आउट इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्योंकि यह लोगों द्वारा पूरे प्री हिस्टोरिक टाइम में ओक्यूपाई किया गया था मीन्स कि पूरे प्री हिस्टोरिक टाइम की एविडेंसेज यहाँ से मिलते हैं कि लोग यहाँ पे रहते थे वन ऑफ द इट्स केव्स भीमबेटका का एक केव है केव थर्ड एफ़ ट्वेंटी थ्री जो कि रिच जोमेट्रिक टूल्स देता है मीन्स कि यहाँ पे लोगों ने ऑक्योपाई किया था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीमेट्रिक टूल्स पाए गए हैं नेक्स्ट लोकेशन है सराय नाहर तो है यूपी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ हॉर्स शू लेक तो यह एक हॉर्स शू लेक के बैंक पे सिचुएटेड है अबाउट फिफ्टीन किलोमीटर फ्रॉम द प्रतापगढ़ नियर द प्रयागराज तो प्रयागराज के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़ और वहाँ से पंद्रह किलोमीटर दूर यह लोकेशन है दिस साइट इज रिच इन द मेजोलिय कल्चर मटेरियल्स और यह साइट जो है वो मेजुलथी कल्चर मटेरियल में रिच है इट वॉज स्टडीड बाई इन डिटेल्स जी आर शर्मा और यह डिटेल में स्टडी किया गया था जी आर शर्मा के द्वारा द हैबिटेशन एट दिस साइट कवर्ड एन एरिया ऑफ अबाउट टू थाउजेंड स्क्वायर मीटर इस साइट का जो हैबिटेशन है वो लगभग दो हज़ार स्क्वायर मीटर में है तेरह स्केलेटन्स मिले हैं और दे आर बरीड इन एन एक्सटेंडेड पोजिशन और एक्सटेंडेड पोजिशन में जलाए गए हैं बरीड किए गए हैं विद वन आर्म प्लेस द दबडोमैन सो एक आर्म डाइगोनली प्लेस किया गया है अक्रॉस द अबडोमैन बेली के पास में या पेट के पास में वाइल द अदर लाइन अलॉन्ग द बॉडी और जबकि दूसरा बॉडी के पास में है नेक्स्ट लोकेशन इज द बीरभानपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है यह दामोदर रिवर के नियर द दुर्गापुर रेलवे स्टेशन जो कि दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास में है इसको बी बी लाल ने उन्नीस में डिस्कवर किया था द साइट इज नॉट कंसिडर्ड नॉन जीमेट्रिक बिकॉज यह साइट नॉन ज्योमेट्रिक नहीं कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहाँ से ट्रपेज और ट्रंगल नहीं मिले हैं बोरर्स पॉइंट्स स्क्रैपर्स बरिंग्स मेड ऑन द मिल्की आर फाउंड और यहाँ से जो टूल्स मिले हैं बोरर्स पॉइंट्स स्क्रैपर्स बरिन्स यह मिल्की क्वाड स्टोन पे बनाए गए हैं नेक्स्ट वन इज़ द तीने वेली जिसे हम तेरी साइड के नाम से जानते हैं जो कि तमिलनाडु में है अ सीरीज ऑफ फोसिलाइज रेड सैंड ड्यून्स आर सिचुएटेड अलोंग ताम्रपर्णी रिवर इन द तीने वेली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फोसिलाइज रेड सैंड ड्यून्स का एक सीरीज पाया गया है जो कि ताम्रपर्णी रिवर के एलोंग है जो कि तीनवे डिस्ट्रिक्ट में है और यह तमिलनाडु स्टेट में है सैंड ड्यून्स आर लोकली कॉल्ड तेरीज और इन्हीं ड्यून्स को लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं तेरीज या टेरीज दीज आर नॉट लेटराइट लेटराइट नहीं है लेकिन ये लेटराइट जैसे लाल हैं और ये माइक्रोलिथ्स यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में पाए गए हैं मेड ऑन द चर्ट एंड दजिल वुड्स इट्स मोस्ट यूनिक फीचर इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर फ्लेक्ड बाई फेसियल पॉइंट्स तो इनका जो सबसे यूनिक फीचर है वह प्रेजेंस ऑफ प्रेशर फ्लेक्ड बाई फेसियल पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया के किसी अन्य साइट पे नहीं पाया गया है अयपन और जेवनेर ने इस साइट की डिटेल में स्टडी किया था नेक्स्ट साइट है संगन कल्लू जो कि कर्नाटका में है फुटे और सुब्बाराव ने इस साइट की स्टडी की थी द टूल्स आर मेड मोस्टली ऑन द क्वाड्स और यहाँ से जो टूल्स मिले हैं वो मोस्टली क्वाड्स पे बनाए गए हैं द वेस्ट मटेरियल फ्राम द साइड इंडिकेट्स दैट द टूल्स वे आर मेड ऑन द साइड सेल्फ और यहाँ से वेस्ट मटेरियल मिले हैं जो कि टूल्स को बनाने के टाइम निकाले गए थे उनकी क्वान्टिटी ये दिखाती है कि इस साइड पर सेल्फ मेड टूल होते थे मीन्स कि टूल्स को इसी साइड पर ही बनाया जाता था पैरल साइड फ्लैक्स कोर्स पॉइंट स्क्रैपर्स एंड दूनिट्स ये मेजर टूल्स से संगन कल्लू साइड पे नेक्स्ट है न्यू लेथी कल्चर इन इंडिया सो इसका लिटरली मीनिंग होता है न्यू स्टोन एज एंड दिस वाज द पीरियड व्हेन मैन फाइनली हिज रिलेशनशिप विद द नेचर और यह पीरियड था जब मैन ने अपना रिलेशनशिप नेचर के साथ चेंज कर लिया फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट ऑन नेचर टू इट्स एक्सप्लॉयटर्स जो मैन पहले नेचर पर डिपेंडेंट रहता था वो इसको एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर दिया था मैंने फूड उगाना स्टार्ट कर दिया था कटर्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था और इसने अपनी नोमेटिक लाइफ को छोड़कर एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दिया था दिस पीरियड ऑल्सो सा द इन्वेंशन ऑफ द पोट्री और इस पीरियड में ही पोट्री का इन्वेंशन हुआ वीविंग बुनाई परमानेंट हाउस कंस्ट्रक्शन परमानेंट हाउस का बनना स्टार्ट हो गया था जो कि सोशल स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया था और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुका था द कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ दिस पीरियड इज़ द पॉलिश एंड द ग्राउंड टूल्स यहाँ के जो कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे वो थे पॉलिश और ग्राउंड टूल्स थे जिन्हें हम सेल्स कहते हैं और यह डोलेराइट या सैंड स्टोन से बनाए जाते थे द कॉमन टूल टाइप आर एक्स एज चीसेज वेजेज हो पिक एंड रिंग स्टोन और जो यहाँ के कॉमन टूल्स थे ये ये सारे थे द बोन एंड द देंडलर्स तो हड्डियाँ और सिंग यूज होते थे टू मेक द हारपून एरो हेड स्क्रैपर्स एंडेड विद द आई एंड पॉइंट्स तो बोन और सिंह का यूज किया जाता था इस तरह के टूल्स को बनाने के लिए ऑन ए प्योरली टेक्नोलॉजिकल बेसिस बेस अथिक इज करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ सेल्स ड्वेलिंग एंड पॉटरी तो जो एक टेक्नोलॉजिकल बेस था न्योलेथिक का वो था सेल्स जो हमने प्रीवियसली देखा टूल्स पिट पिडवेलिंग और पोट्री वेन एवर और वेर एवर इधर और ऑल ऑफ दिस अकर एट एनी साइड तो जब भी जहाँ भी और किसी भी साइड पे अगर इनमें से कुछ भी मिलता था टू बी द न्योलेथिक तो इसे हम न्यूलैथिक में कंसिडर करते थे मीन्स कि जहाँ पे भी सेल्स पिट डेलिंग या पोट्री मिलती थी उसे हम न्योलेथिक पीरियड में कंसिडर करते हैं पिट डेलिंग क्या होता है फर्स्ट रिलेटिवली परमानेंट रेजिडेंशियल पैटर्न तो ये सबसे पहला रिलेटिवली परमानेंट रेजिडेंशियल पैटर्न था जहाँ पे लोग यूज़ करते थे नेचुरल पिट्स को रहने के लिए इसमें ये जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोद करके और उसके ऊपर ढक करके एंट्रेंस करके और यहाँ पे लोग रहते थे न्योलैथिक इंडिया हैज़ हैज़बिन डिवाइडेड इन थ्री जोन्स सो न्योलेथिक इंडिया को तीन जोन्स में डिवाइड किया गया है नॉर्दर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया एंड द साउथ सेंट्रल इंडिया तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्दर्न द नॉर्दर्न इंडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट इन द नॉर्दर्न इंडिया वॉज द भोजोम सो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे जो इम्पॉर्टेंट साइट था वो बोजोम था एंड दिस अलॉन्ग विद द गफकराल एंड द मार्थन गिव्स अस अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द न्यूलिथिक लाइफ और ये जो साइट था वो गफकराल और मार्थन के साथ एक गुड आइडिया देता था न्यूलिथिक लाइफ का सिचुएटेड इन द झेलम वैली नियर द श्रीनगर द साइट हैज़ बीन डेटेड टू अराउंड 2,375 बीसी बाय हंड्रेड द रेडियो कार्बन मैथड यह साइट था ये झेलम वैली में सिचुएटेड था जो कि श्रीनगर के पास में है और इसका जो डेट है वो अराउंड 2,375 बीसी और रेडियो कार्बन मेथड के थ्रू इसका डेट पता लगाया गया था इट अपीयर्स दैट पीपल इन कश्मीर वेयर स्टिल इन न्योलिथिक स्टेज वेन द हरपन सिविलाइजेशन वॉज एट द पीक इन द साउथ वेस्ट ऐसा पियर होता है कि जो कश्मीर में लोग थे वो अभी भी न्यूलिथिक स्टेज में थे जब हरप्पन सिविलाइजेशन साउथ वेस्ट में पीक पे था इस लोकेशन से कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं पाई गई हैं सबसे पहला है डवेलिंग्स तो यहाँ से सोलह डवेलिंग पिट्स पाए गए हैं और जो सबसे लार्जेस्ट था वह था टू पॉइंट सेवन फोर मीटर का एट द टॉप फोर पॉइंट फाइव सेवन मीटर एट द बेस एंड अबाउट फोर मीटर डीप तो यह जो सबसे बड़ा डिवेलिंग पिट था उसका डायमेंसन था पीपल लिव एंड कुक्ड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस पिट्स और लोग इस पिट के फ्लोर पे रहते थे और खाना पकाते थे यहाँ से टूल्स और जो पॉटरी मिली है फीचर्स आर ग्राउंड एंड द पॉलिश टूल तो यहाँ से ग्राउंड एंड पॉलिश टूल मिले हैं द टूल्स कलेक्टेड फ्रॉम द साइट आर एक्सेस एज एस जी सेल हो पिक एक्सेट्रा तो ये टूल्स थे जो इस साइट से कलेक्ट किए गए थे और यहाँ से जो मेन पॉट था वो था बाउल वेस और स्टेम दिस वर हैंडमेड और ये सारे पॉट्स जो थे वो हैंडमेड थे नेक्स्ट बरियल को देखते हैं तो यहाँ पे डेड पर्सन को जलाया जाता था पिट्स में विच जनरली ओवल और द सर्कुलर इन द सेप। और जो पिट्स में जलाया जाता था वो ओवल या सर्कुलर सेप में होते थे द पिट्स वेर वाइड एट द बेस तो जो पिट्स होते थे वो बेस से वाइड होते थे और टॉप में नैरो होते थे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था जहाँ पे डेड पर्सन को जलाया जाता था नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्टर्न इंडिया के साइट्स को सो असम एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स प्रोवाइडिंग द साइट ऑफ द न्योलिथिक तो असम और जो उससे सटे हुए स्टेट्स हैं वह न्योलिथिक साइट का इंडिकेशन देते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इज़ द देवजली हेडिंग इन द नॉर्थ कचर हिल इन द आसाम तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है वो देवजली हेडिंग है टी सी शर्मा ने इसकी डिटेल स्टडी की थी और यहाँ से जो टूल्स मिले हैं उसको शर्मा ने डिवाइड किया है तीन ग्रुप्स में जिसे हम सेल्स कहते हैं और ये तीन ग्रुप्स थे सेल्स के वो थे एज ग्रुप टूल्स पेक्ड एंड द ग्राउंड टूल्स एंड द फुली ग्राउंड टूल्स जो यहाँ से पॉटरी मिले हैं लगभग लग 98 परसेंट जो थे वो पॉट सेट कलेक्टेड थे फ्रॉम द देवजली हेडिंग और यह कॉर्ड इम्प्रेस थे विद ओनली अ फ्यू देम वेल वेलफेयर और इसमें से कुछ ही तो कुछ ही थे जिन्हें आग पे पकाया गया था या जिन्हें अच्छे तरीके से पकाया गया था अ फ्यू अपीयर टू बी मेड ऑन द व्हील और यहाँ से जो पॉटरी मिली है उसमें से कुछ ऐसे थे जिन जो लगता था कि व्हील्स पे बनाए गए हैं डवेलिंग्स की बात कर लें निदर पिट्स नॉन रिमेंस ऑफ हट्स हैव बीन फाउंड तो यहाँ से कोई भी पिट या उनके रिमेंस नहीं मिले हैं जिससे कि ड्वेलिंग का कोई आइडिया लगाया जा सके यहाँ जो नेक्स्ट साइट है वो है चिरान बिहार में है और यह घाघरा रिवर और गंगा रिवर के कॉन्फ्लुंस में है जो कि छपरा के पास में है और यह एक बिहार में एक प्लेस है और यहाँ पे एक फेयरली वेल डेवलप्ड नियोलिथिक साइट था और यह देवजली हेडिंग और बुरजहोम से बिल्कुल अलग था ईरान जो है वह एक हिल साइड नहीं है बल्कि एक, एक एलोवियल प्लेन है और जो देवजली और बुरझों थे यह हिल साइड थे टूल्स की बात करें तो यहाँ पे लार्ज परसेंटेज ऑफ टूल्स वर मेड ऑन द बोन एंड एंटलर्स जो मोस्टली टूल्स थे वो बोन या एंटलर का यूज करके बनाया गया था मीन्स की हड्डिया और सींग का यूज करके बनाया गया था इसमें आते हैं पिक्स चीसल्स नीडल्स ऑल ड्रिल एंड द स्क्रैपर्स डवेलिंग्स की बात करें तो यहाँ पे जो न्योलैथिक इन्ेबिटेंट्स थे चिरान के वो सर्कुलर हट्स तो में रहते थे अबाउट टू मीटर इन द डायमीटर और ये एक दूसरे से काफ़ी क्लोज थे तो यहाँ के जो सर्कुलर हट्स थे वो उनके उनका डायमीटर दो मीटर का था द वॉल्स स्वेयर मेड ऑफ द बैम्बो स्क्रीन प्लास्टर और ये जिनके वॉल थे वो बैम्बो स्क्रीन प्लास्टर के बने हुए थे विद द मड ऑन द बोथ साइड और यहाँ पे मड का भी प्रयोग किया गया था पॉटरी की बात करें तो पॉट्स एंड द पैंस शो ग्रेट रेगुलरिटी ऑफ फॉर्म एंड फाइन सर्फेस फिनिश तो यहाँ पे जो पॉट्स और पैंस मिले थे उनका जो सर्फेस था वो फाइन फिनिश में था और जो पॉट्स थे विद द वाइड एंड नैरो माउथ और जो पॉट्स थे वह तो वाइड या फिर नैरो माउथ था एंड बाउल विद द स्टैंड और बाउल जो है वो स्टैंड के साथ था एंड द लिप्ट बाउल ये कुछ मेजर पॉट्स थे यहाँ पे टेराकोटा फिग्रैंस का प्रेजेंस जो कि बर्ड्स बुल्स और स्नेक का था पाया गया था और बैंगल्स का टेराकोटा और बोन्स भी पाए गए थे इस लोकेशन से नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं कुचई जो कि उड़ीसा में है यह बूढ़ा रिवर के पास में है जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से कुछ पॉट सेट्स मिले हैं जो कि रेड कलर के थे और यहाँ से जो टूल्स मिले हैं उसमें है एक्सेस होस एंड द चिसेल्स नेक्स्ट जो साइट है वो है कोल्डी हवा जो कि यूपी में है और यह इलाहाबाद के पास में है और यह साइट फेमस हुआ क्योंकि यहाँ से सबसे ओल्डेस्ट राइस के रिमेंस मिले हैं यहाँ से जो टूल्स मिले थे वो थे ग्राउंड स्टोन एक्सेस और माइक्रोलिथ्स ब्लेड और जो ड्वेलिंग थी यहाँ पर भी लोग सर्कुलर हट्स में रहते थे लेकिन मार्क किए गए थे बाई द पोस्ट होल्स द कैटल्स पेन विद द हु इम्प्रेशन ऑन द फ्लोर आर ऑल्सो फाउंड और यह सजेस्ट करता है कि डोमेस्टिकेशन एनिमल का यहाँ होता था क्योंकि उनके खुर के निशान फ्लोर पे पाए गए हैं नेक्स्ट पोट्री की बात कर लें तो पोट्स हेट सजेस्ट की जो यहाँ पोर्ट्स थे वो क्रूड हैंडमेड और एल्फायड थे हम नेक्स्ट देखते हैं साउथ इंडियन न्यूलथी के बारे में एज इन द अर्यर कल्चर स्टेट जैसा कि अर्लियर कल्चर स्टेज में हुआ था आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज फार एज न्यूलिथिक साइट्स आर कंसर्न तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट साइट्स थे जितना कि न्यूलिथिक साइट्स कंसर्न थे तेकाल कोटा ब्रह्मगिरी संगानकल्लू एंड हु इन द कर्नाटका पिकलीहाल एंड द नागार्जुन कोंडा इन द आंध्र प्रदेश पैयाम इन द तमिलनाडु वे द बेस्ट नोन साइट्स तो ये सबसे बेस्ट नोन साइट्स थे जो कि कर्नाटका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थे तो यहाँ से सबसे पहला हम साइट देखते हैं तिकाला कोट्टा तिकाला कोट्टा जो कि कर्नाटका में है या बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है ये जो साइट है वो एक ग्रेनाइट हील है और और इसका जो डेट है वो लगभग 1600 सौ बीसी पहले बाई द रेडियो कार्बन मेथड था यहाँ से जो ड्वेलिंग्स थे वहाँ पे 19 हट्स मिले हैं और ये 19 हट्स जो है उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन है जबकि ये सारे ही सर्कुलर शेप में हैं और कुछ इसमें फ्री स्टैंडिंग है विद द वॉल ऑफ वेटल एंड जबकि कुछ सपोर्टेड हैं बाय द नेचुरल सर्कुलर ऑफ द बोल्डर्स और कुछ यहाँ पे नेचुरल सर्कल ऑफ़ बोल्डर से सपोर्टेड हैं बरियल की बात कर लें तो मोस्टली द डेड वेयर बरीड बेनिथ ऑफ द फ्लोर ऑफ द हट तो मोस्टली जो डेड पर्सन होते थे उनको हट के फ्लोर के नीचे दफनाया जाता था एंड द बरियल विद इन एंड अर्न वल्सो फाउंड और यहाँ जो बरियल थे वे अर्न के साथ भी पाए जाते थे फ्यूनरी वेसल्स जो थे वो भी पाए गए हैं एट द फिट ऑफ स्केलेटन्स तो जो स्केलेटन्स मिले हैं ह्यूमन के उनके फिट के पास में फ्यूनरी वेसल्स भी पाए गए हैं पोट्री की बात कर लें तो ये प्री डोमिनेटली हैंडमेड पोट्री थे यहाँ पे जो कि वेल फायड और कलर्ड थे ग्रे ब्राउन एंड बफ कलर्स जो है वो कॉमन थे और जो पोट्स थे वो पॉट्स के साथ थे जैसा कि टी केटल जो है वो भी बनाया गया था और यूजुअली डेकोरेटेड थे बाय द पेंटिंग आफ्टर द फायरिंग इन सीजन रेस्टिकेशन एंड द परफोरेशन तो यहाँ पे जो मोस्टली पॉट्स थे वो वेल well फायर्ड थे और उसके बाद उनकी पेंटिंग इन सीजन रेस्टिकेशन एंड द परफोरेशन किया गया था टूल्स थे यहाँ से जो उसमें तो एक्सेस एजेस, पॉइंटेड टूल्स चीसेल्स क्यूरस रिंग स्टोन्स जो कि मेजर टूल्स थे और यहाँ जो एक्सेस थी उनकी जो लेंथ और थिकनेस थी वो वेरी करती थी और कुछ उसके सब टाइप्स भी थे आर्ट्स की बात कर लें तो न्यूनतिक हिल डवेलर्स जो हैं वो अर्लीस्ट आर्टिस्ट थे दे पेंटेड ब्रस्ट एंड द इज द रॉक्स और उन्होंने रॉक को पेंट किया है ब्रश किया है और उसको खुरच करके कलाकृतियाँ बनाई हैं वेरियस रॉक सर्फेसेज विच आर नॉट एक्सपोज टू सन और रेन हैव बीन पेंटेड इन द रेड ऑकर तो जो वेरियस रॉक सर्फेस थे जहाँ सन रेज या फिर रेन नहीं पहुँच पाती थी वो रेड कलर से पेंट किए जाते थे अब चार्कोलिथिक कल्चर देखते हैं इंडिया में द वर्ड चार्कोलिथिक इज डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स

इमर्ज सो so, इस प्रकार से स्टोन और कॉपर का यूज़ करके बहुत सारे कल्चर इनके बेस पे इमर्ज हुए थे चालकोलिथिक कल्चर इन इंडिया बिगन अराउंड 1800 हंड्रेड जो चालकोलिथिक कल्चर इंडिया में है वो लगभग 1800 सौ बी सी अराउंड शुरू हुआ था और ये कंटिन्यू रहा था कुछ एरिया में टिल द थाउजेंड बी और ये कुछ एरियाज में थाउजेंड बी तक कंटिन्यू रहा था एक्सेप्ट फॉर द प्लेन्स एंड द थिकी फॉरेस्ट एरियाज तो एलवीएल प्लेन और क्योंकि फॉरेस्ट एरिया के अलावा जो चार्कोलिथी कल्चर के ट्रेसेस हैं वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री में पाए गए हैं इन दिस पीपल मोस्टली फाउंडेड द फर्स्ट विलेज सेटलमेंट ऑन द रिवर बैंक्स और इस फेज में लोग मोस्टली पहला विलेज सेटलमेंट किया था रिवर बैंक्स पे इन्होंने माइक्रोलिथ्स का यूज़ किया था और अदर स्टोन टूल्स को जो कि सप्लीमेंटेड था बाई अ लिटिल यूज ऑफ कॉपर टूल्स तो तो उन्होंने माइक्रोलिस्ट का यूज़ किया था और कुछ अदर भी स्टोन टूल्स थे जहाँ पे थोड़ी मात्रा में कॉपर टूल्स का यूज़ किया गया था इन सर्टेन सेटलमेंट्स कॉपर इम्प्लीमेंट्स आर फाउंड इन द गुड नंबर्स एज इन आहार एंड द गुन इन राजस्थान तो उस सेटलमेंट्स में जो कॉपर इम्प्लीमेंट्स थे वो गुड नंबर में पाए गए हैं जैसा कि आहार और गिलून दो साइट हैं राजस्थान में एट द आहार साइट स्टोन एक्सेस और द ब्लेड्स आर कंप्लीटली एबसेंट तो हर साइड पे स्टोन एक्सेस और ब्लेड्स जो है कम्प्लीटली एबसेंट हैं इट इज़ क्लियर दैट चार्लकोलैथिक कल्चर ऑफ इंडिया सोज वेरिएशन इन द सेरेमिक्स कॉपर एंड द स्टोन टूल्स एलोंग विद द विलेज स्ट्रक्चर तो यह क्लियर है कि चार्कोलैथिक कल्चर जो इंडिया का है वो सेरेमिक्स कॉपर और स्टोन टूल में वेरिएशन दिखाता है एलॉन्ग विद द विलेज स्ट्रक्चर एंड देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन दिस विलेज कल्चर यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है कोई भी समानता नहीं है विलेज कल्चर्स में और सिर्फ कन्वीनियंस के लिए उनको ग्रुप किया गया है ईस्टर्न जोन सेंट्रल जोन वेस्टर्न जोन और साउथर्न जोन में तो आज के लेक्चर में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद